फ्रेंड्स, आज का ये वाला वीडियो इतना खास भी नहीं है और ये वाला वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को तो बता ही दिया था कि आप सभी अकाउंट में केवाईसी कैसे करवा सकते। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स में, जो भी वीडियो डालता था उसके कमेंट में एक दो क्वेरी तो आ ही जाती थी। मुझे आप लोग काफी सारे मेल भी कर रहे थे और यहाँ पे आपकी काफी सारी ऐसी क्वेरी थी कि भाई मनी लोड नहीं हो रही, हम क्या सभी अकाउंट में केवाईसी कर सकते हैं? मेरे पास 50 पेटीएम अकाउंट है तो मैं 50 पेटीएम अकाउंट में केवाईसी कर सकता हूँ? मेरा अभी भी बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुआ। तो सारी क्वेरी का आंसर मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा। और फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो में मैं आपको कोई ऑफर्स नहीं बताऊंगा, मुझे लगा कि एक वीडियो से आपका काफी सारा फायदा हो जाएगा तो मैंने ये सोचकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर ऐसी बहुत सारी अपडेट्स, लेटेस्ट ऑफर में सब कुछ बता देता हूँ, तो आपको भी वहां से बहुत सारा फायदा हो जाएगा। अभी भी आपने पेटीएम में मिनी केवाईसी नहीं किया या केवाईसी भी नहीं किया तो आप एक काम कीजिए, अपना पेटीएम अकाउंट ओपन कीजिए, उसके बाद पासबुक वाले सेक्शन पे जाना है। पासबुक वाले सेक्शन पे जाने के बाद वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप वोटर आईडी डालिए, उसके बाद इलेक्शन कार्ड डालिए, कुछ भी डाल दीजिए। अब बात करते हैं कि आपके पास वोटर आईडी भी नहीं है, इलेक्शन कार्ड भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, मीन्स फिर भी आप एटीएम का केवाईसी करना चाहते हो, तो कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में मैं एक दो इलेक्शन कार्ड के नंबर डालूंगा, उसके लास्ट से इलेक्शन कार्ड के मैं नंबर नहीं डालूंगा, वो आपको रेंडमली डालना है। जैसे कि 1234 हो गया, 1838, कुछ भी आप रेंडमली डाल देना, उसके बाद वहां पे चिपका देना वो इलेक्शन कार्ड, उसके बाद वहां पे टिक कर देना और कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू कर दोगे, आपका इलेक्शन कार्ड के थ्रू, मीन्स आपने फेक इलेक्शन कार्ड ही डाला तो फेक इलेक्शन कार्ड के थ्रू आपका पेटीएम मिनी पेटीएम केवाईसी वाला हो जाएगा। यार फ्रेंड्स, मैंने खुद भी एक अकाउंट में ट्राई किया, उसके बाद हो भी गया, तो ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं थी, आपको तो पता होगा और आप सभी ने ट्राई भी कर लिया होगा। लेकिन जिसको ये आइडिया नहीं आया कि फेक केवाईसी कर सकते, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप फेक केवाईसी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम था कि अब जब मनी ऐड करने जाते, उसके बाद ऐड मनी पे जाते थे, वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं आता कि आप 2 या 3 रुपीज ऐड कीजिए। तो आपको एक काम करना है, पासबुक वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे लिखा है कि ऐड टू मनी पे टच करने के बाद आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2 रुपीज ऐड कर दीजिए, सक्सेसफुली ऐड भी हो जाएंगे। और मैंने ये भी यहाँ पे फेक केवाईसी किए, उसके अलावा मैंने 2 रुपीज भी ऐड भी कर लिए। तो आप भी आपके पेटीएम में जितने भी अकाउंट में सभी में फेक केवाईसी कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में एक दो तो वोटर आईडी कार्ड डाल दूंगा, अगर आपको फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी ट्राई करूंगा कि टेलीग्राम पे भी एक दो इलेक्शन कार्ड डाल दूं तो आपके जितने भी पेटीएम अकाउंट है सभी पेटीएम अकाउंट केवाईसी वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफी सारा बेनिफिट हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नई ऑफर्स के साथ। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे मैं जो भी ऐसे ऑफर्स जो भी डील्स आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।